एक निशांत मल्ला का बेटा सरनाथ मल्ला मुकेश सहनी भी है। आज देश के बड़े बड़े नेता को अपनी ताकत का एहसास करा देता हूँ। देश आजादी के बाद 75 साल में पहली बार अपने दम पर बिहार में मंत्री बना और मैंने बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ा और अपने दम पर बिहार में मैं मंत्री बना। बिहार की राजनीति अब देश को प्रभावित करने लगी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, वहीं बिहार में कई दल हैं जो नीतीश कुमार के साथ भी नहीं है और एनडीए के साथ भी नहीं है। वो अपनी अलग पहचान बना करके कई राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ही एक दल हैं वीआईपी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, जो कि बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, आपको पता है, जनपद स्थित सेलिब्रेशन लॉन में वीआईपी पार्टी के वाराणसी मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किए और वीआईपी सुप्रीमो ने पार्टी को तीव्र गति से मजबूती तथा निषाद समाज के हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने हेतु विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व सांगठनिक मुद्दों पर अपनी बात रखी और महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के कर्मठ और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बात इतना ही नहीं है, बात आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी थी, उसके बाद से मुकेश सहनी चर्चा का विषय बने थे। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, मुकेश सहनी ने जो वादा किया है और जो दावा ठोका है वो आप सुनिए और किस तरह से वो अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे लेकर के चलते हैं, आप खुद सुन लीजिए और देख लीजिए। हमने सोचा कि जो हमारे पास जो बिहार में जो ताकत है वही ताकत हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, झारखंड में बनाएं, और जब हमारे पास बड़ी ताकत होगा तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ाई आसान हो सकता है। और मैं बिहार से निकल के 2016 में उत्तर प्रदेश में बहुत काम मैंने किया और बहुत खर्च किया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुआ। फिर मैं निराश होकर बिहार लौट गया और मैं अपना जमीन बनाने लगा। हमें लगा कि नहीं, पहले अपने घर को पहले मजबूत करना पड़ेगा, फिर हम दूसरा जगह देखेंगे। ठीक है, हमारा कुछ समय के लिए हमारा मित्र पीछे हो सकता है, और मैंने बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ा और अपने दम पर बिहार में मैं मंत्री बना। मेरे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री को बनाया, ये हमारी पहचान है। फिर कुछ साथी ने बिहार आए, आग्रह किए कि नहीं, आप जिस तरीके से बिहार में अपनी ताकत का पहचान देश दुनिया को दिए, वो ताकत आप यूपी में भी दिखाइए और यूपी के समाज आपके साथ रहेगा और आप पुनः एक बार हम लोगों को मदद कीजिए। क्योंकि मेरे दिल में तो सपना पहले से ही है कि नहीं, हमारा समाज बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के दिशा सर उठा दीजिए। और फिर हमने उस साथी का सुना और फिर मैं वापस 2021 में आपके बीच में आया। 2 जुलाई को पार्टी लॉन्च किया और आपके बीच में मैं आया, काम करने लगा और फिर हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ और पुनः हम बिहार लौटे। आपके हक अधिकार के लिए मैंने क्या नहीं कुर्बानी दिया, कितने संघर्ष किया, कितने लड़ाई लड़ा, हमने क्या वादा किया था, हमने अपने वादा पे निभाया। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो ढोक नहीं।
हम अंतिम समय में साथ पीछे भी हो सकते थे, हम उत्तर प्रदेश में सरेंडर भी हो सकते थे। मुझे भी पहले से पता था इतनी बड़ी ताकत के साथ मैं लड़ रहा हूँ, इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे जितने भी सलाहकार थे अगल बगल में, जो लोग साथ रहते थे, वो लोग बार बार समझाते थे कि नहीं, यहाँ पे दो कदम पीछे हट जाना चाहिए। हमारे उतने लोग समझदार नहीं हो पाए, इतना मजबूत नहीं हो पाए, और आप इतने बड़े ताकत से लड़ना चाहते थे। तो हमने कहा नहीं, मुकेश सहनी मर सकता है लेकिन मुकेश सहनी का विचार नहीं मरना चाहिए। क्योंकि परसों बाद समाज ने हम पे भरोसा किया है, नहीं बहुत बड़े संख्या में नहीं भरोसा किया, लेकिन जितना भी किया कम नहीं किया। देश आजादी के बाद 75 साल में पहली बार अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, लोगों ने हम पे भरोसा किया, लोगों ने हमको नेता माना। तब बड़े से बड़े नेता, चाहे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो या भाजपा के बड़े नेता हो, उन्होंने झुका, हमारी ताकत को पहचाना, फिर हमसे गठबंधन किया। नहीं तो ये लोग एक टिकट नहीं दे सकता है, ये अपने शरीर का मोल नहीं दे सकता है, वो आपको सीट कहां से दे देगा। ऐसे लोगों को मैंने अपनी ताकत दिखा के अभियान में मैंने सफल हुआ और यहाँ पे असफल हुआ। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो ताकत दिया जो आज 33 करोड़ देवी देवता भी जो ताकत नहीं दिया, वो हमें बाबा साहब ने दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म होता था, बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार दिया, जिसके पास ज्यादा अधिक वोट है वही व्यक्ति एक नंबर की कुर्सी पर बैठ सकता है, चाहे वार्ड हो या प्रधानमंत्री का कुर्सी हो। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट गिरेगा वही सफल होगा। आज हमारे पास आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या है, और ये बात सही भी है। यूपी बिहार झारखंड में आप जाति जनगणना हो जाए तो एहसास हो जाएगा कि हम कभी किसी से कम नहीं है। एक निशांत मल्ला का बेटा सरनाथ मल्ला मुकेश सहनी भी है। आज देश के बड़े बड़े नेता को अपनी ताकत का एहसास करा देता हूं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा। अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आप हमारी बात मानिए, अगर आप मेरे विचार को नहीं मानते हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं। और जब आप हमारे दुश्मन हैं तो आपसे दोस्ती कोई भी जगह पे जायज नहीं है। आज आजाद भारत में देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री एक है, लेकिन आज हमारे समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, आज उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं मिल रहा है। तो जब मुझे वो दिन याद आता है कि 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश में मैंने निर्णय लिया था, जिसको आप माता वीरांगना फूलन देवी कहते हैं, उसके प्रतिमा पे सिर्फ हमने निर्णय लिया था कि हर मंडल में हम इनके प्रतिमा पे माला चढ़ाएंगे, मालार्पण करेंगे। लेकिन आपका और मेरे इस देश में क्या बात है कि आपके पूर्वज को प्रतिमा पे को माला नहीं चढ़ाने दिया। यही बनारस मंडल है, यहाँ के जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि हमारे सरहद सीमा पे वीरांगना फूलन देवी का प्रतिमा ना रहे। रातों रात गाड़ी का व्यवस्था किया, टैक्सी का व्यवस्था किया और मूर्ति को लाद दिया गया प्रतिमा को, और बोला हमारे बनारस से उत्तर प्रदेश से बाहर लेके जाइए उस प्रतिमा को, आपको बिहार उत्तर प्रदेश से बाहर निकालिए, वो आपके बिहार के बॉर्डर पे जाके कैमूर के धरती पे रखा गया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।